निरंजन रेल ब्रिज के नीचे वाली सड़क 9 मई से 100 दिन के लिए बंद हो जाएगी। इस पुल पर एक और रेल ट्रैक बिछाने के लिए रेलवे की ओर से 100 दिन का ब्लॉक लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसकी मंजूरी शनिवार को दे दी है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के रेल ब्रिज संख्या 38 को निरंजन रेल अंडर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ब्रिज के ऊपर 5 रेल लाइन है। एक और रेल ट्रैक बिछाने के बाद इसकी संख्या कुल 6 हो जाएगी। झुंसी से प्रयागराज जंक्शन तक रेल ट्रैक दोहरीकरण की वजह से निरंजन पुल पर एक और रेल ट्रैक बिछाया जाना है। इसको लेकर पिलर का निर्माण व RCC के गर्द लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि पुल का काम शुरू होने से छात्र छात्राओं व आम लोगों को खुसरोबाग रेल ओवर ब्रिज, रामबाग ओवर ब्रिज या CMP रेल अंडर ब्रिज वाले रास्ते से ही सिविल लाइंस और उसके आसपास के इलाकों में जाना पड़ेगा। ऐसे में इन मार्गों पर भी लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ सकती है।